हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो नए दिन के साथ नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आज की व्लॉगिंग की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। माता श्री भोजन ग्रहण कर रहे हैं और मैंने नहीं किया अभी, बस फिलहाल अभी दूध गर्म करने रखे क्योंकि हमारे घर में आधा किलो दूध लगा है लेकिन हम में से कोई पीता नहीं है दूध, और वैसे ही बचा रहता है और आधा किलो दूध भी बच जाता है क्योंकि हम चाय भी नहीं पीते। आजकल चाय पीने की इच्छा नहीं होती, वो ठंडियों के टाइम पे जब ज्यादा ठंड होती है तभी मन करता है, नहीं तो हमारा बिल्कुल भी इच्छा नहीं करती मतलब चाय वगैरह पीने की। मम्मी की करती है लेकिन हमारी नहीं करती बिल्कुल नहीं। और चाय पीना अच्छी बात भी नहीं है, ज्यादा चाय नहीं पीना चाहिए। तभी मौसम के हाल चाल बताती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए सुबह सुबह जो है 9:30 बजे, सॉरी सुबह सुबह बोल रही हूँ, धूप तो अब ऐसी निकली हुई है क्योंकि अब देखो खेतों में काम करने का टाइम आ गया तो अब धूप ऐसी निकली रहती है। वैसे अब ऐसा है ना कि अंदर रहते हैं तो थोड़ा सा ठंड महसूस होती है, मम्मी भी धूप में चली जाती है कभी कभी, तो मम्मी को हम धूप में जाने के लिए मना करते हैं क्योंकि मम्मी बहुत ज्यादा धूप से बिल्कुल स्किन जल जाती है, इसलिए मम्मी को हम अंदर ही रहने को बोलते हैं ज्यादातर। और इधर जो है आपको दिखाऊंगी मैं, ये देखिए हमारे इधर ये पाइप वगैरह सारी चीजें अभी इधर ही पड़ी हुई हैं। अब इतना कचरा नहीं रहेगा हमारे घर में, धीरे धीरे करके सारे कचरे गायब हो गए। और ये देखिए बहुत टाइम बाद मेरे को मतलब एक होता ना दिल से मन कर रहा है आपका कि हाँ व्लॉग शूट करो, तो आज वो दिन है कि मेरा मन कर रहा है व्लॉग शूट करने का अच्छे से। तो भाई मेरा ऑफिस चला गया लेकिन वो अपना टिफिन जो है वो घर पे ही भूल गया, तो देखती हूँ मैं अगर उधर मार्केट साइड जाना हुआ क्योंकि आज मेरे जो सूट है वो सिल के आ जाएंगे तो उसके लिए मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, और एक दो सामान और है वो भी लेके आ जाऊंगी क्योंकि बार बार ना हम और मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ कि बाद में ले लेंगे लेकिन बाद में भी वो पैसे उतने ही खर्च होने और अभी भी उतने ही खर्च होने, तो इससे अच्छा है कि अभी लेके रख देंगे तो बाद में दौड़ना नहीं पड़ेगा। बस कुछ छोटे मोटे काम होंगे उनके लिए, पापा और दीदी लोग चले जाएंगे उसके लिए मुझे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इधर से उधर, है ना मम्मी? सुप्रभात बोल दीजिए। रोटी खा रही हूँ तो क्या हो गया? सुप्रभात, नमस्कार। रोटी खा रही नहीं बोल पा रही कह रही रोटी खा रही मैं नहीं बोल पा रही हूँ, तो ठीक है फिर मैं भी नाश्ता करके मिलती हूँ आप सभी से। और नरेंद्र सिंह रावत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा 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 चाहे मैं व्लॉग डालू ना डालू लेकिन आपका कमेंट हमेशा रहता है क्योंकि वो अगर कल का भी व्लॉग रहेगा ना तो आप उसमें भी कमेंट कर देते हो सुप्रभात चाहे जो भी है, बड़ा अच्छा खासा, उतना तो मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाती हूँ आपको। और उसके लिए तो खैर यह है कि एक मन होता है ना कि आपका व्लॉग बनाने का, हाँ आपका मन कर रहा है तब जाके व्लॉगिंग होती है। पर चलो ज्यादा नहीं बोलता क्योंकि मेरी बहन बोलती है तो बहुत ज्यादा बोलती है व्लॉग में, और व्लॉग में दिखाती कम है चीजों को, तो इसलिए मैं ज्यादा बोलना अवॉइड करती हूँ और जो चीजें मुझे दिखानी है वो चीजें दिखाऊंगी। ठीक है तो चलिए अभी नाश्ता कर लेते फिर मिलते हैं। तो अभी जो है हम तो जा रहे हैं मार्केट लेकिन बुआ और ताऊ जी आ रखे हैं तो वो घास काट रहे हैं, तो उस खेत में जो है हमारा वो होगा फेरे वगैरह होंगे, तो इसलिए हमें तो टाइम मिल नहीं पाया। तो ताई जी तो कर नहीं पाते, उनके हाथों में दर्द होता है तो वो अपने ही खेत कर लेती है, वही बहुत है उनके लिए। तो ताऊ जी आए हैं और बुआ आई है मेरी, तो वो काट रहे हैं घास, तो देखते हैं अभी जब पापा आएंगे तो पापा फिर से उसको बिल्कुल खुदाई में लग जाते हैं तो वो चीज नहीं करनी चाहिए पापा को। अब थोड़ा सा घास घास रहना भी अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा ग्रीन रहे तो वो चीज अच्छी लगती है। तो अभी घास वगैरह तो ताऊ जी लोग काट देंगे और हम जाएंगे मार्केट थोड़ी देर में, भी पहले घर का काम कर लेते हैं उसके बाद जाके। तो पता नहीं आपको नजर आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा लेकिन यहाँ पर मोर है, उसकी सिर्फ गर्दन ही गर्दन दिख रही है, देखो ये रहा।
ले क्या करते हैं वो तो निकल गया बाहर, वहां पे पता नहीं क्या चीज खाने गया है। चलो हम चलते हैं, ज्यादा ही जूम कर दिया। तो हम ना ऑफिस से होते हुए जाएंगे क्योंकि भाई आज भूल गया अपने टिफिन ले जाना भूल गया, तो आज हम जरा थोड़ा सा ऑफिस होके आते हैं। ये पूरा कन्हाशम रोड है, ये रास्ते तो याद आ ही रहे होंगे, जब मैं ऑफिस जाती थी तो इन रास्तों के ब्लॉग बनाती थी। खैर अब तो जाना होता नहीं है इतना, लेकिन आज काम से जाना है इसलिए स्कूटी रुकवाई थी। तो चलो चलते हैं, तभी आधे सामान ये लेके चल रही है, आधे में लेके चल रही है, आगे देखते हैं झुमके वगैरह। सीताराम गली तो अभी ज़रूरत की सारी चीज़ें हमने खरीद ली हैं, और यहाँ पे जो है सैंडल की दुकान में गए थे, हमने सैंडल लेके रखी हुई थी, और साथ में जो हेलमेट लेके आए थे तो उसको भी इसी शॉप पे रखा हुआ था क्योंकि कहाँ ना जाना था, इसलिए हम यहाँ पे से हेलमेट लेके और अपनी सैंडल वगैरह जो ली थी हमने वो लेके तब अब हम निकल पड़े हैं घर को क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है यहाँ मार्केट में। कपड़े उपड़े रखे हैं यहाँ पे और मौसम देख सकते हैं कुछ इस प्रकार। और हम रुके हैं यहाँ पे मोमोज वगैरह लेने के लिए, वो शॉपिंग करके भी आ गए। इसको देखो क्या सोच विचार में पड़ी हुई है। इसकी जो चीजें थी वो तो मिली नहीं हमको, लेस वगैरह बाकी हमारे जो मिला वो ले लिया हमने। ये देखिए मेरी शादी का कार्ड पढ़ रही है माता श्री, यहाँ पे क्या क्या पढ़ा आपने, क्या क्या पढ़ा आपने, पढ़ा क्या आपने, ढंग से बैठ के बताओ क्या क्या पढ़ा आपने। देना है होली के गणेश, देना है भूमि का भूमि, देना है ढंग से बैठो, तन बैठो, हाँ बताओ क्या क्या पढ़ा आपने, ये पढ़ा मैंने क्या भैया होली का गणेश देना। चलो इसको बंद कर दीजिए आप, क्या अब ये बताइए गुड मॉर्निंग सुप्रभात, कब बोला आपने, तो रोज बोलना पड़ता है मम्मी, रोज बोलना पड़ता है, हंस के रही हो आप हैं, अबे किस बात की हंसी आ रही है आपको, क्या हो गया मैंने जोक मार दिया क्या हैं, क्या हो गया, अरे तुम्हारी ये दंतरित मुस्कान अमृत में भी, आज मैंने ब्रश करवाया ना आपको, तो चलिए करिए गुड मॉर्निंग सुप्रभात, हाथ जोड़ के करना चाहिए माता श्री, नहीं आपका हाथ नहीं दिख रहा है ढंग से ऊपर करके, गुड मॉर्निंग सुप्रभात नमस्कार सभी दोस्तों ते राम राम, मेरे सुबेरा का सुप्रभात और ब्लॉग का बात है ना सोनम प्याणी और आप क्या कर रहे थे, मैं कार्ड दे रहे थे, मैंने कहा मैंने ढंग से नहीं पढ़ा है, मैं देखती हूँ क्या क्या लिखा है इसमें, तो लोड़ो नाम तो लिखे ना, क्यों नहीं लिखा हुआ, दिखा रही हूँ सबका नाम लिखा हुआ है, लोड़ो का नाम देखा हमारे पूरे बच्चों के नाम सबके लिखे हैं मैंने, सबके कहा गया बच्चों का नाम, ये नहीं रहा, अच्छा ये लिखे वो ये रहा, ये ना ये रहा ये हाँ ये तो देखो, अवजी रानी का अद्विक अदिति शिवान शिवानशी के, अच्छा हमारी कहते हैं बुआ की मौसी बुआ की शादी में अभिनंदन है अभिजीत, कल मैं डांस करी थी मम्मी रोने लग गए बहुत रोई, अब वैसे तो बोलती है वैसे तो कहती है कि मैं रोऊंगी नहीं, और वैसे मैं डांस कर रही थी तो क्यों रोया आप,
कल हमने शॉपिंग करी, मैं आपको एक चीज बताना भूल गई, उसके साथ हमें एक चीज और मिला। कहाँ गया मम्मी? अच्छा यहाँ पे बहन अभी रोटी बना रही है, मैंने सब्जी बना दी है। और ये रहा देखो, वी मार्ट गए थे ना हम, तो उसके साथ ये मिला है। कालू जी लेटे हुए हैं और ताऊ जी आ रखे हैं बाहर, यहाँ देखिए। ये देखिए कहाँ गए, ये रहे। और वहाँ पे अभिजीत खड़ा हो रखा है, दादाजी से सवाल जवाब कर रहे हैं। ये देखिए माता जी नहीं जली है, सब्जी रखी हुई है मैंने अच्छे से, तो वो फिलहाल बन चुकी होगी। हाँ तो दोस्तों कपड़े जो हैं वो भी सिल के आ चुके हैं मेरे, और अभी एक दो कपड़े और रह जाते हैं मम्मी और के, तो वो देखे मैंने, तो देखते हैं वो कब तक आएंगे। तो आपके हैं नहीं, झूठी कितनी आप, कह रही मम्मी और ये कपड़े बताओ जी आ गए नीचे इतनी जल्दी सुबह सुबह। तो आज की ब्लॉग को हम इतना ही रखेंगे, आशा करते हैं आप सभी लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप सभी से एक नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ।